फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं होशिम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका स्वागत करती हूँ ये सुंदर सी गुलाब के साथ देखो इसका साइज आप देखो मेरी पूरी हाथ में आ गई है इतनी बड़ी हुई है इसकी साइज़ ये वही प्लांट है जिस पर मैंने फर्टिलाइज यूज़ की थी और अभी फिर से इसको लिक्विड देने का टाइम आ गया है फ्रेंड्स तो ये जो गुलाब है ये बहुत ही हेल्दी प्लांट हुई है और जो गुलाब की साइज़ भी बहुत अच्छी हुई है और आप देख सकते हो और एक गुलाब आपको दिखाती हो कितने सुंदर है और ये सभी जो है ये इसकी जो पेटल्स है थोड़ी सी भारी पेटल्स है और वेलवेट की तरह है जो वेलवेटी गुलाब होती है ये वेलवेटी गुलाब है और बहुत अच्छे से ये खिल रही है तो इसकी कलिया भी आपको दिखाती हुई न्यू न्यू ये जो लीव्स निकली है न्यू न्यू इस पर कली आई है और बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इस पर एक बहुत जो प्रॉब्लम ये पता नहीं कौन सा इंसेक्ट है जो इसकी जो पत्तियाँ है इसको छेद कर रही है तो इसके लिए मैंने ऑयल का स्प्रे भी कर दिया है तो इसको आज मैं एक बहुत ही अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं दूंगी जो कि आप भी अपनी गुलाब को दो और आपकी गुलाब की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी जितनी ज़्यादा प्लांट हेल्दी होगी उतनी ज़्यादा आपकी प्लांट पे फ्लावरिंग की चांस रहेगी तो चलो आ, अगर आपने पिछली बार की वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि क्या फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ की थी इस बार मैं यूज़ करूँगी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो लिक्विड फर्टिलाइजर तो चलो बनाती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स ये है मेरी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाई थी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरी है अभी ऑलरेडी सभी प्लांटों पे मैं दे चुकी हूँ सिर्फ अभी गुलाब मेरी बाकी है तो इस पर दे दूँगी तो इसको मैंने बहुत सारा लगभग पाँच लीटर पानी में मैंने एक भाग लिया था खली दो चम्मच पोटाश और फिर इस पर जो स्वीट ग्रेनुल्स है उसको भी मैंने भिगो के तीन चार दिन के लिए मैंने छोड़ दी थी तो अभी मैं इसको ही अपनी प्लांटों पे यूज़ कर रही हूँ यही लिक्विड यूज़ कर रही हूँ और इसको ये बहुत ही अच्छी होती है न्यूट्रिशन से भरपूर होती है नाइट्रोजन भी है इस पर इस पर बहुत सारे न्यूट्रिशन है और मिट्टी को एसिडिक करने में भी मदद करेगी और पोटाश तो है ही पोटेशियम तो आप इसको सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हो और अगर आपके पास पोटेशियम नहीं है या फिर सीविड नहीं है तो भी कोई बात नहीं आप सिर्फ़ जो जो आप खली भिगोते भी हो उस पर दो चम्मच चाय की पत्ती या फिर कॉफ़ी पाउडर मिला दो उसके बाद अपने प्लांट पे यूज़ करो बहुत ही हेल्दी होती है प्लांट के लिए तो जब भी मैं ये जो लिक्विड है मैंने बनाई थी इसको मैंने पानी के साथ ये घोला हुआ है आप जब भी कोई भी लिक्विड बनाते हो तो नॉर्मल वाटर के साथ घोल के ही आप दूसरे पानी पे दूसरे जो प्लांट है प्लांट पर आप यूज़ करो ठीक है तो ये इतना ही मैंने ले लिया है तो इसको ही मैं आ, मेरी गुलाब में दे दूँगी और आप देख सकते हो साइड से ये मैंने कुछ ये जो है ये कुछ जीनिया की शीट भी मैंने डाली थी और ये कुछ भी शीट मैंने डाली थी तो ये अच्छे से भी ग्रो कर रही है तो इसको भी मैं अलग करके अलग जगह पे अलग पॉट पे लगा दूँगी और अभी मैं थोड़ी सी नीम ऑयल का भी स्प्रे कर दीती हूँ प्लांट पे और फ्रेंड्स ये नीम ऑयल जो है देखो ये नीम ऑयल है ये इसके साथ थोड़े से डिटर्जेंट भी मैंने मिलाई है ये बहुत ही अच्छी होती है ये लगभग सभी प्लांट पे आप इस तरीके से स्प्रे करके आप दे दो नीम ऑयल के साथ थोड़ी सी डिटर्जेंट आप हमेशा ही मिला के आप दे दो पत्तियों के नीचे से भी आप दो ताकि नीचे अगर आपकी जो इंसेक्ट है वो छुपा हुआ होगा तो वो भाग जाएंगे आप देखो थोड़ी सी अगर ध्यान में हटाओ तो ही प्लांट पे कोई ना कोई इंसेक्ट अटैक भी हो जाती है तो इस तरीके से आप अपने गुलाब की अभी केयर करो तो आपके प्लांट पे जितने भी कलियाँ हैं वो अच्छे से खिलेंगे भी और प्लांट हेल्दी भी रहेगी फ्लावर पे आपको स्प्रे नहीं करना है आप सिर्फ जो पत्तियां है उस पर ही आप इस तरीके से स्प्रे करते रहो तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई अगर अच्छा लगे लाइक करना शेयर करना मेरे चैनल पे बने रहिए मेरे चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू